दोस्तों अगर आप एक रिलायंस जियो यूजर हैं और आपको पसंद है फ्री इंटरनेट तो आज आप वीडियो देखते रहिए क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं रिलायंस जियो की तरफ से लेटेस्ट आने वाले हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी सोच रहे थे कि 31 दिसंबर 2016 के बाद क्या होगा, जब जियो वेलकम ऑफर खत्म हो जाएगा तो काश हम कहीं से फ्री इंटरनेट को यूज कर पाए। तो यहां पे दोस्तों बिल्कुल जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है रिलायंस जियो की तरफ से, मिस्टर मुकेश अंबानी की तरफ से, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग जियो यूजर्स हैं और जितने भी नए यूजर्स जुड़ने वाले हैं जियो के साथ में, वो 31 मार्च 2017 तक जियो की सर्विसेज को फ्री में यूज कर पाएंगे। उनको मिलेगा फ्री डेटा, फ्री कॉल्स वगैरह। और यहां पे दोस्तों जो ऑफर का नाम है वो है रिलायंस जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। अब दोस्तों यहां पे कुछ चेंजेस किए गए हैं कि अगर आप एक करंट जियो यूजर हैं तो आप 31 दिसंबर 2016 तक जियो वेलकम ऑफर को यूज करने वाले हैं और उसके बाद में आपका जो प्लान है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा रिलायंस जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। और दोस्तों अगर आप एक कस्टमर हैं जो 4 दिसंबर 2016 के बाद में जियो के सिम लेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको शुरुआत से ही मिलेगा रिलायंस जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। ये बिल्कुल सेम है जियो वेलकम ऑफर की तरह। जो चेंज दोस्तों यहां पे वो ये कि आपको रोजाना मिलेगा 1 GB तक का हाई स्पीड डेटा, उसके बाद दोस्तों जो स्पीड है वो घटके हो जाएगी 128 KBPS की। यहां पे दोस्तों जो पहले आपको मिलता था 4 GB उसे घटके कर दिया गया है 1 GB। लेकिन दोस्तों रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि करीब 80% जो यूजर्स है, मेजॉरिटी जो है वो 1 GB या उससे कम ही रोजाना यूज करते हैं। तो ऐसे में सभी को ठीक सर्विस मिल पाए, सभी जो है वो सर्विस को ठीक से यूज कर पाए, इसलिए जो लिमिट है उसको 4 GB से कम करके 1 GB कर दिया गया है। लेकिन फ्री मिल रहा है तो इसमें 1 GB भी दोस्तों कोई यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे बुरा कि हां भाई 1 GB है तो मतलब मैं तो यूज नहीं करने वाला। आप मुझे बताइए, ऊपर कार्ड से मैंने पोल रखा है कि वहां पे आप 1 GB जो है वो आपके लिए ओके रहेगा, ओके नीड्स के लिए, या फिर आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन बात यहां पे ऐसे दोस्तों कि इसके अलावा कोई और आपको ऐसा ऑप्शन मिलता नहीं है जहां पे आप ज्यादा डेटा यूज कर पाए, जो प्लान्स है वो बहुत ही महंगे हैं। तो ऐसे में मुझे तो ठीक लगता है कि एटलीस्ट सभी को सही से डेटा मिल सके, जो नेटवर्क है वो ठीक से काम कर सके। तो ऐसे में 1 GB पर डे की जो लिमिट है हाई स्पीड की, और उसके बाद आपको मिलेगा अनलिमिटेड डेटा लो स्पीड पे। एक और बात दोस्तों यहां पे ये कि रिलायंस जो है वो प्लान कर रहा है शायद 100 मिलियन कस्टमर्स की तरफ, और वो क्या पता 31 मार्च 2017 तक अपना जो टारगेट है वो अचीव कर ले। दोस्तों मुझे बताइए आप इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिलायंस जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के बारे में। दोस्तों फिलहाल वीडियो में तय, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।